ये तो नगर विकास मंत्री जी से पूछिए कि आपने क्या व्यवस्था करवा रखा है कि शहर डूब रहा है। अभी तक इतने वर्ष हो गए नगर निगम को बने, 1952 में बना है, आज 2023 है, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी, सामंजस्य नहीं है। PWD विभाग अलग नाला बनाती है, नगर निगम अलग नाला बनाती है, बिना नगर निगम से NOC लिए हुए ही सरकारी जो एजेंसियां वो काम कर रही हैं। तो अगर रियल में एक दूसरे से सामंजस्य नहीं होगा तो ये स्थिति होगी। व्यवस्था काम है सरकार की बनाने की, और सरकार जब तक व्यवस्था नगर निगम को सुदृढ़ करने के लिए नहीं करेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण होगा, जो पैसा होगा सरकार अपने हाथ में रहेगी, ये तो जिम्मेवारी सबको उठाना होगा। नगर निगम हो तो नगर निगम को पूरा हाथ सरकार को देना चाहिए, नगर निगम को खुली छूट देनी चाहिए कि आप व्यवस्था बनाएं, लेकिन सरकार उसमें देने में संकोच करती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जनता को भुगतना पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार, मैं आपके साथ रूपम। देखिए, गर्मी से काफ़ी बेहाल हो गया था बिहार के लोगों को, और वहीं वो लोग मना रहे थे कि कब बारिश हो और हमें थोड़ा सा राहत लगे, और आज का मौसम भी कुछ ऐसा ही है, दिन भर आज बारिश हो रही है। लेकिन हम आपको बता दें कि भाई इतना भी बारिश नहीं हो रही है कि यहाँ पर पटना ही डूब जाए। अभी मैं जिस जगह में मौजूद हूँ, देखिए BJP कार्यालय के बाहर मैं मौजूद हूँ, और BJP कार्यालय के बाहर का मैं जगह दिखाती हूँ। भाई ये लोग सरकार RJD के बाहर का भी वही नज़ारा है, और BJP के बाहर का भी यही नज़ारा है। हर साल का ये है, डेली पानी अगर पड़ जाए बस यहाँ का रास्ता जो है वो डूब जाता है। लोग किस तरह से जा आ रहे हैं आप तो देख ही रहे हैं, बाहर तो बाहर अंदर का भी यह नज़ारा है। पटना के कई ऐसे सड़क हैं जहां पर सड़क डूब गए हैं, लोग आ नहीं जा नहीं रहे हैं ठीक तरीके से, उनकी गाड़ियां भी डूब रही है इस तरह का, मतलब आधा जो चक्का है उनका डूब रहा है। नाले जो हैं वो तो खुले हैं ही, चलिए मैं अंदर का भी माहौल आपको दिखाती हूँ। देखिए BJP कार्यालय के अंदर मैं आ रही हूँ, और BJP कार्यालय के पास भी यहाँ पर जो बारिश जो हुई है उसके वजह से काफ़ी यहाँ पर पानी का यहाँ पे जमा हो गया था, जल जमा हो गया था। अभी तो सब कहिए कि थोड़ा कम है, लेकिन हाँ ये पूरा जो है वो जगह है पूरा भरा हुआ है पानी से यहाँ, और उस साइड में लोग काफ़ी परेशान हो रहे हैं। यहाँ भी देख ही सकते हैं कि नेताजी उधर अपने गाड़ी में खड़े हैं भाई कि कैसे जाएं। ये हाल हो गया है BJP कार्यालय का, कैसे जाएं इधर से उधर, कैसे जाएं, ये हाल हो गया है BJP कार्यालय का, पानी से पूरा भर चुका है BJP कार्यालय पूरा। मैं आपको दिखाती हूँ, अंदर तक मैं लेकर आपको चलती हूँ, और देखिए क्या हालत है यहाँ की। व्यवस्थाएं आप समझ सकते हैं कि किस तरह की व्यवस्था किया गया है कि भाई जरा सा बारिश हो कार्यालय डूब रहा है, तो समझ सकते हैं कि बाहर का क्या हालत होगा, पटना के सड़कों का क्या हालत होगा, उन जगहों का क्या हालत होगा जहाँ पर जल का ठीक तरीके से निकास नहीं है। भाई नेताजी, हम बहुत देर से आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आप खड़े हैं पानी की वजह से। नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं। देखिए, बड़ा बड़ा शहर हो, चाहे अमेरिका हो, लंदन हो, चाहे बिहार हो या दिल्ली हो या अन्य शहर हो, अगर एक बार एक पानी बरसेगी तो निश्चित रूप से पानी जमेगा। तो इतना भी बारिश नहीं हुआ है, हर साल का यही हालत है। नहीं, ये तो आप जहाँ के अभी जहाँ का जो है BJP कार्यालय RJD कार्यालय के बाहर का ये जो रास्ता नहीं, जो आप अभी अब तुरंत पानी बरसा है तो निश्चित रूप से जमा होगा, लेकिन इसके बाद तो निकल जाएगा। यहाँ जो व्यवस्था है, इंटरनल जो व्यवस्था है पार्टी का, पार्टी अपने स्तर से ही कर रखी है, ऐसा कोई विषय नहीं है कि पानी जमा है। ये तो पार्टी की व्यवस्था हो गई, अब पटना की हम बात कर तो लेते हैं। पार्टी ऑफिस में पूछ रहे हैं, तो अगर पटना के बारे में बोलेंगी तो ठीक है। ये तो नगर विकास मंत्री जी से पूछिए कि आपने क्या व्यवस्था करवा रखा है कि शहर डूब रहा है। अभी तक इतने वर्ष हो गए नगर निगम को बने, 1952 में बना है, आज 2023 है, लेकिन व्यवस्था नहीं सुधरी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सीवरेज सिस्टम का जो कॉन्सेप्ट लाया है उसका फायदा आने वाले भविष्य में मिलेगा, और ड्रेनेज सिस्टम को भी दुरुस्त किया जाना चाहिए, क्योंकि सामंजस्य नहीं है। PWD विभाग अलग नाला बनाती है, नगर निगम अलग नाला बनाती है, बिना नगर निगम से NOC लिए हुए ही सरकारी जो एजेंसियां वो काम कर रही हैं। तो अगर रियल में एक दूसरे से सामंजस्य नहीं होगा तो ये स्थिति होगी पटना। अच्छा, पटना की ये स्थिति तो हो रही है, पहले भी भाई BJP की सरकार थी, अब ना RJD का आ गया है 10 महीना से, उसके बाद तो बरसात अभी आ रहा है, पहले BJP की ही सरकार था। इस तरह से पटना का जो माहौल हो जाता है, जरा सा बारिश हो गया बस पटना डूब गया, सड़क डूब गए, कचरे सुनिए नाले निकल जाते हैं, कचरे निकल जाते हैं, और उसकी वजह से ये जो मलेरिया और डेंगू कौन कौन सी बीमारियाँ जो है वो तो आफत फैलाती है। सो अलग देखिए, आपको पता नहीं होगा, मैं नगर निगम का 3 बार सदस्य रहा हूँ,
मैं पटना का डिप्टी मेयर रहा हूँ, एक्टिंग मेयर के रूप में भी काम किया हूँ, लेकिन व्यवस्था काम है सरकार की बनाने की, और सरकार जब तक व्यवस्था नगर निगम को सुदृढ़ करने के लिए नहीं करेगा, सत्ता का विकेंद्रीकरण नहीं होगा, केंद्रीकरण होगा, जो पैसा होगा सरकार अपने हाथ में रहेगी, नगर निगम को परेशान, मेयर को और डिप्टी मेयर को परेशान करेगा, पार्षदों को परेशान करेगा, चूँकि वो छोटी संस्था है नगर निगम, और जितने भी सरकार की तरफ से जो योजनाएं हैं वो नगर निगम को समय पर उपलब्ध नहीं होगी, तो नगर निगम क्या कर लेगा? क्या लग रहा है कि अभी और बारिश होगी तो फिर पटना का क्या हालत होगा? नहीं देखिए, ये तो जिम्मेवारी सबको उठाना होगा, नगर निगम हो तो नगर निगम को पूरा हाथ सरकार को देना चाहिए, नगर निगम को खुली छूट देनी चाहिए कि आप व्यवस्था बनाएं, लेकिन सरकार उसमें देने में संकोच करती है, तो निश्चित रूप से यहाँ के जनता को भुगतना पड़ता है। तो सरकार जनता के विरोध में न काम करके सबके लिए काम करे, कोई पार्टी पटोल का विषय नहीं है, ये सब सामाजिक कार्य है, तो सामाजिक प्रॉब्लम है, ये कार्य तो नहीं कि ये प्रॉब्लम है, तो उसको सबको मिलकर निपटना पड़ेगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सबको मिलकर निपटना चाहिए, बीजेपी का हालत ये है, पटना की सड़कों की हालत जो है वो भी आप देख रहे हैं, जरा सा बारिश के आया बस पटना के सड़क डूब गए, लेकिन यहाँ पर जो है हालत किसका बेहाल है भाई, मंत्री लोग कहते हैं, सरकार कहते हैं, मेयर को दोष देते हैं, मेयर नगर निगम को कौन, कोई नगर निगम को दोष देता है, कोई मंत्री को दोष देता है, कोई सरकार की दोष देता है, लेकिन यहाँ पर बेहाल है, सबसे ज़्यादा जनता ही बेहाल है, त्रस्त जनता ही त्रस्त है। देखते हैं और भी बारिश होती है तो उसमें पटना का क्या हालत होता है। अभी के लिए इतना ही, बने रहे लाइव बिहार के साथ, धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।